पिछले 7 महीने में तीसरी बार WHO ने इंडिया में बनने वाले कफ सिरप पर सवाल उठाया है। पहले गाम्बिया, फिर उज्बेकिस्तान और अब माइक्रोनेशिया में भारत में बनने वाला कफ सिरप मिला है, जो WHO के हिसाब से सेहत के लिए काफी ज्यादा खराब है। तो कैसे बीमारी से बचाने वाला कफ सिरप जानलेवा बन जाता है, क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार माइक्रोनेशिया का मामला क्या है। तो WHO ने जानकारी दी है कि एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया एक कफ सिरप मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में दूषित पाया गया है। WHO ने मेडिकल अलर्ट जारी करते हुए भारत में निर्मित गुएफेनेसिन कफ सिरप को दूषित बताया है। WHO ने जानकारी दी है कि पंजाब के QP फार्मा केम लिमिटेड कंपनी गुएफेसिन कफ सिरप बनाती है। इस कफ सिरप से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। गुएफेसिन के नमूनों का विश्लेषण ऑस्ट्रेलिया के थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था। इसमें दूषित पदार्थ के तौर पर डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल असुरक्षित मात्रा में पाया गया। डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल इंसानों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। WHO की माने तो इसको यूज करने से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। बच्चों के लिए तो ये काफी ज्यादा हानिकारक होता है। हालांकि WHO के स्टेटमेंट के बाद QP फार्माकेम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधीर पाठक ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि पंजाब के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को संदेह है कि किसी ने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कंबोडिया भेजे गए खांसी की दवाई की नकल की है और फिर इसे मार्शल द्वीप और माइक्रोनेशिया में भेज दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले भी WHO ने भारत में बनने वाले 2 कप सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था। उस समय WHO ने कहा था कि मेरियन बायोटेक के ये कफ सिरप ऐसे हैं जो क्वालिटी में कोसों दूर हैं। ये अलर्ट एम्ब्रोनॉल सिरप और डॉक 1 मैक्स सिरप को लेकर जारी किया गया था। ये दोनों सिरप नोएडा की फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरियन बायोटेक फार्मा के द्वारा बनाए गए थे। WHO की ओर से मेरियन बायोटेक के इन कफ सिरप में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल होने की बात कही गई थी। उस समय WHO ने चेतावनी दी थी कि किसी भी देश में अगर ये कफ सिरप इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो देश इसे प्रयोग न करे। WHO अब तक इंडिया में बनने वाले 7 कंटामिनेटेड कफ सिरप के खिलाफ अलर्ट जारी कर चुका है, जिसके नाम है प्रोमिथाजीन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेजमेलिन बेबी सिरप, मेक ऑफ बेबी कप सिरप, मागरिब एंड कोल्ड सिरप, एम्ब्रोनॉल सिरप, डॉक 1 मैक्स सिरप, गुएफेसिन। तो लास्ट 7 मंथ्स में तीसरी बार है जब WHO ने इंडिया में बनने वाली कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है और अब इसे सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, इस मामले में अब आगे क्या होगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।